अभी हम क्या करने लगे हैं, एक्सट्रूड और 3D, फिर रोटेशन और बेवल, ये सारी चीज़ें जो आपको किधर मिलेंगी, इफेक्ट के अंदर आए। इफेक्ट 3D हम अप्लाई करने जा रहे हैं। पहले सिलेक्ट कर लें अपनी शेप, फिर 3D के अंदर आए, एक्सट्रूड एंड बेवल, रिवॉल्व, रोटेट, ठीक है। एक्सट्रूड पे ऊपर जाएँ, 3D है बेसिकली, ठीक है। ये आपको मिलेगा, प्रीव्यू ऑन है सर, आप भी प्रीव्यू ऑन कर सकते हैं, ये पहले देख लें या बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, ये इधर इसके सारे जो रोटेशन एंगल हैं वो सारे ये पड़े हुए हैं, आप इस बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इधर, तो मैं इसको मैन्युअली करना चाह रहा हूँ, इसका एंगल और ये क्या दिखाना। अच्छा, ये अभी आया, इस वजह से नहीं था कर रहा मैं इनका, कि आपकी रैम जो है सारी वो यूज़ कर रहा है ये वाला 300 रुपये, ठीक है। अभी इसको करेंगे थोड़ा बहुत, ये अप्लाई कर लेंगे, रैम फुल है, ठीक है, चलो थोड़ी सी हो जाएगी। चले, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा, एंगल्स आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे सारे के सारे, इसको भी आप ऐसे रोटेट करवा सकते हैं ऊपर नीचे, जैसे ये देखेंगे ये भी साथ साथ चेंज हो रहे हैं, ये सारे भी इसको ऐसे करने हैं, इसको नीचे करने हैं, ठीक है। काफ़ी रैम फुल है, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप चेंज कर लें, फिर ये नीचे एक्सट्रूड डेप्थ, एक्सट्रूड डेप्थ जो है ये वाली चीज़ जो इधर आपको साइड के ऊपर 3D कट नज़र आ रहा है, इसकी डेप्थ कितनी रखनी है आपने, अभी 50 के ऊपर है बाई डिफॉल्ट, इसको कम ज़्यादा करके देखें यार। अच्छा, तो ये वाली चीज़ जो है ना साइड के ऊपर आ रही थी, ये डेप्थ इसकी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये देखें अभी 89 पे चली गई है, इसको थोड़ा सा जितना काम ज़्यादा करेंगे तो वो हो जाएगी चेंज, ठीक है। वो रैम का इशू आ रहा है, उसकी नहीं आपने टेंशन लेनी, इसको अगर टीम्स ऑफ करके करेंगे तो फिर ये सही काम करेगी, ठीक है। अभी रैम फुल हो गई है, दोबारा करते हैं। इफेक्ट 3D, ठीक है, इसी के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। ये आप चेंज करके देख सकते हैं। अच्छा, इधर इसकी वैल्यू है सारी, ये डेप्थ कौन सी है, ये जो डार्क कलर आपको नज़र आ रहा है, 3D कट नज़र आ रहा है, ये डेप्थ है। फिर आगे कैप क्या है, ये अभी फुल कैप है, इसको करें तो ये अंदर से इधर से ब्लैंक हो जाएगा सारा, आपको 3D कट बाहर नज़र आएगा, अंदर से ब्लैंक ऐसे, ठीक है। ये शेड सारी वाइट वाली जो आपको नज़र आएगी, अंदर से एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, इसको कर सकते हैं। फिर मोर ऑप्शन में जाएं तो आपके पास इधर लाइट इंटेंसिटी आ रही है, शेड और लाइट, लाइट ये पड़ी हुई है, इसको आप थोड़ा सा ऐसे मूव करें, ठीक है, दोबारा, ठीक है। अच्छा, कहाँ पे थे मोर, ये वैसे ही आपको बता देता हूँ, आप चेंज कर सकते हैं खुद से। अच्छा, ये लाइट इंटेंसिटी है, ये 100 इधर से आप चेंज कर सकते हैं, या फिर ये जो आपको आइकन छोटा सा नज़र आ रहा है स्मार्ट सर्कल, इसको आप कहीं भी फिर एडजस्ट करें, ये लाइट का कट जो ऊपर नज़र आ रहा है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप अपनी मशीन पे, अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं, मैं अभी नहीं कर रहा इसको, ठीक है। फिर इसके बाद है, ये शेडिंग है, वायर फ्रेम है, वायर फ्रेम करेंगे तो ये सिर्फ वायर होगा, ठीक है, फ्रेम, फिर नो शेडिंग, यार ठीक है। चले, आपको वैसे ही बता देता हूँ। अच्छा, इस तरह से वो लाइट की है, इसमें ज़्यादा यूज़ कौन सा होना, यही लाइट वाला, इसको आप ऊपर नीचे इधर जिधर भी रोटेट करना चाहें लाइट का इफेक्ट वो कर सकते हैं। फिर नीचे आपको आ रहा है कि शेडिंग कलर है कौन सा है, अभी ब्लैक है बाई डिफॉल्ट, ठीक है, आप इसको कस्टम भी कर सकते हैं, कस्टम करेंगे ये देखें रेड हुआ कस्टम, तो साथ ही चेंज हो गया। फिर कलर और कोई करना चाहें, वैसे ही सारे कलर आपके पास ओपन हो गए, ग्रीन, रेड, ब्लू, ठीक है, कोई सा भी आप कर सकते हैं। रेड करेंगे तो ये ओके करेंगे, रेड में चला जाएगा सारा, ठीक है। ये सारी शेडिंग है, इस तरह से ये सिंपल ऑब्जेक्ट के ऊपर किया, तो इसको देखते हैं कि रियल में इसका यूज़ जो है वो कैसे होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ऐसे ही है यूज़, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, अप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है, इसको साइड पे करते हैं। तो इधर आइकन्स हमने ऊपर रखे हैं, वो करते हैं ड्रा, स्मॉल सर्कल ले लें। अच्छा, पहले तो एक काम करते हैं,
पेज का थोड़ा सा साइज ज़्यादा कर लेते हैं अपने कैनवास का। ठीक है, वन इसकी दो तीन कॉपी कर लें आप। अच्छा, एक का इनको सेंटर में कर लेते हैं, सेंटर में कर लेना। इनका डिस्टेंस जो है वो सेम हम कैसे करते थे इधर डिस्ट्रीब्यूट में जगह पे। ठीक है, ऐसे इसी की एक कॉपी कर लें। पहले इसके कलर चेंज कर लें, कलर ये रख लें, तो दूसरा कोई और कर लें। अच्छा, ऐसे कर लेते हैं, गोल्ड कलर टाइप को कर लेते हैं। ठीक है, एक ये कर लें, एक ये रहने दें। थर्ड भी कोई गोल्ड करना है, गोल्ड कर लें या कोई और कलर कर। ये तीन हो गए, तीन और कर लें। अच्छा, ठीक है, इनके भी कलर चेंज करना। कोई ब्लैक ही रखें, ग्रे या ब्लैक, ये कर लेते हैं। इसी तरह इसके लिए कर लें और इसका रेड में कर लेते हैं। ठीक है, वैसे जो से भी आप मर्जी यूज़ कर लें, मैंने ये किया। अच्छा, ये आइकन्स हैं, इनको प्लेस कर लें फर्स्ट वाला। ठीक है, वाइट नजर नहीं आ रहा, तो इसको ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, साथ साथ इनको सेंटर भी ऑफ कर लें। अच्छा, ये तो हो गया पहले का। आप इनको काम करते हैं, ग्रुप कर लेते हैं आइकन के अलावा। ठीक है, ये सेंटर कर लेते हैं सारे आइकन्स जो भी ऊपर यूज होंगे। ठीक है, फिर ट्विटर है, ट्विटर को सेंटर। ठीक है, फिर ये टिकटॉक, सेंटर, फिर व्हाट्सएप, कुछ भी कर लें आप। मैं 3D का इफेक्ट जो है वो अप्लाई करके देखते हैं। लोगों वाली साइट का क्या नाम बताया था आपने? पहले ये देखेंगे, वो भी ओपन कर लेना, फ्री फ्लैट आइकन पे आपका। ठीक है, ये इनको ग्रुप कर लें, लोगोज को नहीं, जो आपके सर्कल हैं उनको कर लेना, लोगों को अलग कर लें, देख लें ग्रुप हो गए ऐसे। ठीक है, फिर जो आपके आइकन हैं उनको भी ग्रुप कर लिया ऐसे। ये अच्छा, इनका कलर वाइट में है सबका, अलग अलग करना चाहें तो अलग भी कर दें। जैसे ट्विटर का ब्लैक करना है या कोई भी करना है, मैंने चलें ब्लैक और वाइट कर लिया। ठीक है, फिर इनको करेंगे आप सिलेक्ट और इधर जाएंगे अपने जो आपका इफेक्ट के अंदर। ठीक है, इफेक्ट 3D एक्सट्रूड। ओह शिट शिट शिट। अच्छा, इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज करते हैं, देखते हैं रोटेट करके। ठीक है, 36। दोबारा ये रैम की वजह से इशू आ रहा है, सारा काम खराब है। अच्छा, थर्टी सिक्स इसको कर देते हैं, 26 है इसको 30 कर देते हैं,
या 36 ही कर देते हैं, 35 माइनस हो गया, उसको कर देते हैं 18 और उसको बाकी जो है ऐसे रहने देते हैं। लाइट का भी कर लीजिए, कर ये अप्लाई करके देखते हैं कि हुआ है या नहीं। ठीक है, हो गया अप्लाई, इसको ओके करते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा सांस लेने देते हैं। अच्छा, फिर ये देखें आपके आइकन तो ऐसे रोटेट हो गए, लेकिन ये जो ऊपर वाली चीज़ है आपके आइकन्स ये नहीं हुए, तो इनको अलग से आप रोटेट करने के जाएँ 3D और रोटेट। ठीक है, रोटेट के लिए भी वही वैल्यूज दे देते हैं जो इनकी रोटेशन की है। ठीक है, हमने 36 रखा है, इसको -35 रखा है और इसको 18 रखा है। ठीक है, दोबारा देखते हैं। ठीक यार, मिनट मैं इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं ये इशू कर रहा, मैं सारी यूज कर लिया। स्क्रीन शेयर करता हूँ, वेट करने वाले में ये सेट कर लिया। जो वैल्यू हमने इधर रोटेशन की दी है, तो आइकन को भी आगे दोबारा वही वैल्यू दे दी है ताकि इसके ऊपर एडजस्ट हो जाए। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से आपके आइकन्स आ गए। तो इसके बाद और शेड्स आप देना चाहें इसको कॉपी करें सिंपली। ठीक है, इसको साइड पे जाके कॉपी कर लें। इनको आप अलग से यूज़ करना चाह रहे हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट में एक एक्सपेंड कर लें इसकी अपेयरेंस। ये अभी अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, इनको एक ही कलर में कर लेते हैं, ब्लैक में। ठीक है, ऐसे इधर आके इनके नीचे शेडो देने के लिए ये कह रहा हूँ। ठीक है, इनको पीछे कर दें, ऐसे शेडो आ गया इसका। इसकी आप ओपेसिटी थोड़ी सी मैच कर सकते हैं कम ज़्यादा। ठीक है, तो
ये इस तरह से इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहें, ठीक है। आई थिंक कोई और फैट ना ही अप्लाई करें तो बेहतर है, ताकि फिर स्टक ना हो जाए। तो ये इस तरह से, मतलब 3D की वो आपने देखे होंगे, जिस तरह आपके बिजनेस कार्ड या वेबसाइट के पेजेस जो डिज़ाइन होते हैं, वैसे आपको 3D लुक में जो है फॉरवर्ड किए होते हैं, ठीक है। या बीच के ऊपर भी लगे हैं, आप काफ़ी सारे देख सकते हैं। तो ये आइकन के लिए हमने किया है कि आप इस तरह से डिस्प्ले करना चाहें आइकन, या वेब के लिए प्रोवाइड करना चाहें, ठीक है। तो वो आप ऐसे कर सकते हैं 3D इफेक्ट अप्लाई करके, ठीक है। तो ये हमने सिंपल से लिए कि 6 आइकन्स, ये सेंटर में नहीं है, इसका कोई इशू नहीं है, इन और ये वाले लोगोस, ये वाला, ठीक है। इसको थोड़ा सा और वैल्यू चेंज करनी थी, फिर सेंटर में आना था, लेकिन हम नहीं कर रहे अभी, आप लोग कर सकते हैं इसको सेंटर में, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ऐसी चीज़ें जो आपने देखी होंगी, बिजनेस कार्ड का इस स्टाइल में पड़े जाते हैं, फिर कोई वेब का पेज है वैसे पड़े जाते हैं, उसके लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं 3D के फैक्ट्री, या किसी और ऑब्जेक्ट को देना हो, जैसे हमने सिंपल किया था अप्लाई, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने किया आइकन्स के लिए 3D के, सिंपल सिंपल सिर्फ एंगल चेंज किए, एंगल्स ऑफ रोटेशन। तो अच्छा, इसके बाद आपकी अप्लाई हो गया 3D, इसको आप चेंज करना चाहें वैल्यू, तो सिंपल इधर अपेयरेंस के अंदर आएँ, तो ये रहा आपका 3D एक्सट्रूड अप्लाई हुआ। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वही वैल्यूज आ जाएंगे, उनको आप चेंज करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, वो आप इधर आके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था 3D का। अच्छा, फिर इसके बाद आगे चलते हैं, मैं एक और पेज ओपन कर लेता हूँ, कुछ और चीज़ें वो भी देख लेते हैं। टैक्स पे भी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अच्छा करते हैं वो भी अप्लाई। अच्छा, शेप ली कोई इसके ऊपर करना चाहें आप अप्लाई, ठीक है। इफेक्ट में 3D स्टूल और शिट, ठीक है। इसको ओके करेंगे तो अप्लाई नहीं होगा, वही एरर आ रहा है, ठीक है। रिवॉल्व करना चाहें अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। रिवॉल्व का भी ऐसे ही है, लेकिन इशू सेम, ठीक है। अच्छा, इशू कर रहा है इसकी वजह से, तो या तो मैं स्क्रीन ऑफ करके अप्लाई करके दिखा देता हूँ, या फिर आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। या ऐसे सिर्फ आपने क्या करना है, इफेक्ट में जाना है, 3D में जाना है, एक्सट्रूड और ये बबल, फिर रिवॉल्व, रोटेट, ये तीनों को आप अलग अलग अप्लाई करके देखें। लेकिन हम अप्लाई करते हैं तो अभी एरर ही आ रहा है, पहले वाला खत्म कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। ये किसी पे भी अप्लाई करें तो इशू ही आ रहा है, किसी लाइन के ऊपर कर लेते हैं, ऐसे एक लाइन ली है सिंपल सी, ऐसे इसके ऊपर करते हैं इफेक्ट अप्लाई 3D रिवॉल्व, ठीक है। यही वैल्यूज हैं, अगर सपोज इधर अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसको थोड़ी सी वैल्यू दे लें, कलर चेंज कर लें, जैसे इसके ऊपर अप्लाई करें 3D रिवॉल्व, ओके करें तो नहीं होगा। दोबारा करके देख लेते हैं, 3D रिवॉल्व। चलिए, मैं काम करता हूँ, स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, फिर अप्लाई करता हूँ। अच्छा, वही वाली लाइन जो मैंने अभी ड्रा की थी पेंसिल से, ये रही आपकी, ठीक है। ऐसे ड्रा की थी, तो उधर 3D में आके रिवॉल्व के अंदर आए, ठीक है। पहले से जो बाई डिफॉल्ट वैल्यूज 18, 26, 8, ठीक है, उन्हीं को यूज़ किया। तो रिवॉल्व के अंदर देखेंगे इस तरह से 3D आपका इफेक्ट जो है बन गया, उसी लाइन के ऊपर, ठीक है। जो वैल्यूज लगी हुई थी, बाकी मैंने कुछ चेंज नहीं किया है इधर से, वही है। फिर
फिर आप इधर से जाके इसके एक्सिस जो है वो चेंज कर सकते हैं, ऑफ टू बैक, ऑफ टू लेफ्ट, या आप वन बाई वन ट्राई कर सकते हैं। मैंने भी करा चेंज, ठीक है। तो बाकी बाय डिफॉल्ट ही सेटिंग है, तो ऐसे अप्लाई करें इसको, ठीक है। ऐसे ही अप्लाई हो गया, देखें आपकी लाइन ही है ये वाली जो हमने ड्रा की थी, ये सिंपल, ठीक है। इसी के ऊपर ये रिवॉल्विंग अप्लाई हो गई है खुद से, ठीक है। इसी तरह भी किसी और कोई और ऑब्जेक्ट लें उसके ऊपर अप्लाई करना चाहेंगे सेम, तो फिर वही एरर आएगा, ठीक है। आप इसको भी कर सकते हैं, आप अप्लाई करेंगे तो इसी तरह की शेप्स बन जाएंगी जिसके अंदर ऐसे अलग अलग आपको नजर आएंगे। ये देखिए लाइट कट है, इसको चलें चेंज कर लेते हैं, ये हो गया तो सेंटर करते हैं पहले, ध्यान रखना वो भी दे। स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, ये अभी हमने अप्लाई किया है इसके ऊपर, कट में आ गए 3D और रिवॉल्व, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, आपको अलग से बता देता हूँ कि मतलब कैसे कैसे। पहले जो हमने किया, किधर गया ये वाला, ये हमने क्या किया, आइकन्स को सिर्फ 3D एक्सट्रूड और जो इनके लेवल्स हैं वो चेंज किए हैं, बेवल लेवल जो, ठीक है। इस तरह की शेप्स देने के लिए आइकन्स को, ये आप चाहें तो अपनी इमेजेस पे यूज़ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये किया, फिर आगे ये था इधर 3D में जाके एक्सट्रूड एंड बेवल, ठीक है। वो हमने सिर्फ सिंपली वैल्यूज चेंज की और इनको ये शेप दे दी, लुक दे दी। फिर इसके बाद रिवॉल्व का, रोटेट का और ये एक्सट्रूड का आपने देख लिया। फिर उसके बाद अगर देखें यहाँ पे हमने रिवॉल्व अप्लाई किया है, ये जो इस तरह की शेप आपको, सिर्फ सिंपली हमने क्या किया था कि लाइन ली और उसके ऊपर रिवॉल्व अप्लाई किया, ठीक है। ये यहाँ पे भी आ रहा 3D रिवॉल्व, ये अप्लाई किया, उसकी वैल्यूज बाय डिफॉल्ट लगी हुई थी वही हमने सिर्फ क्लिक किया, ओके किया, ये सारा कुछ अप्लाई होगा। इसी तरह किसी शेप के लिए करें, सर्कल के लिए करें, एलिप्स के लिए, ठीक है। ऐसे सिंपल सा अगर आप एलिप्स लें और इसके ऊपर सेम वही रिवॉल्व अप्लाई करें तो ऐसी शेड्स बन जाएंगी, सारी शेप्स, ऐसे लगेगा वो 3D आपने खुद सारी शेप्स दी हुई हैं। वो अभी मैं नहीं कह रहा, वो आप खुद करेंगे, ठीक है। तो ये होप्सो सबको क्लियर आ गया, हो गया होगा। अच्छा, इसका हम करने लगे हैं ज्योमेट्रिक लोगो, तो सोर्स फाइल मुझे मिली नहीं, तो इसे पेन टूल से जल्दी से एक बार तो पहले कर लेते हैं इसकी आउटलाइन का, ठीक है। पेन टूल लिया, इसकी आउटलाइन हम कर लेते हैं ड्रा, ठीक। जल्दी से करने लगे हैं आप, ठीक है। आउटलाइन चाहिए थी इसके बाद, नजर आ रही है।
को हाइड करना, ठीक है। योर फ्रेंड मनीष को आप थोड़ा सा ये कॉलर खराब है, थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं, ठीक है। स्मूथ टूल से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। ये जाना तो आपको लग रहा है थोड़ा सा होना चाहिए, तो वहाँ से इसको स्मूथ कर लें, बाकी तकरीबन ठीक है। तो अच्छा, ये लेग को भी इसके ऊपर ही कर देते हैं, ये नीचे तक आ गई है, इसको भी इधर ही जोड़ना, इधर थोड़ा सा है। अच्छा, इसको भी सही कर देते हैं, इसको कट कर दें, अभी आपका जो है तो वही शेप बिल्डर, उसे मैंने कट कर दिया, इसको भी साथ में ऐड कर दें। दोनों सेलेक्ट करके बाई में उड़ा लें, ये कुछ ऐसे। अच्छा, और अच्छा, अब ये हमारे पास आउटलाइन आ गई है, इसको हमने करना है ज्योमेट्रिक, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं, इसको ग्रुप कर लें करना है तो। अच्छा, पहले तो इसकी एक कॉपी भी क्रिएट कर लेते हैं, दूसरी जो टाइप हम बनाएंगे पॉलीगॉन उसके लिए, पहले जो मैट्रिक देख रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर लिया, ग्रुप कर लिया, ठीक है। उसको लॉक करना चाहिए, लॉक कर लें, नहीं तो ना करें। जो मैट्रिक होता है वो लाइन वाला लोगो, आपको काफ़ी जो मैट्रिक शेप्स की ऐसी लाइन अंदर जो है नज़र आएंगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने जूम किया तो लाइन स्ट्रोक वही रखते हैं, जो फोर अभी लगा हुआ है फोर ही रख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन हम ड्रा करते हैं ऐसे इधर को, ठीक है। नेक्स्ट लाइन ये ऐसे ही बनता है रैंडम सही, तो क्विकली हम देख लेते हैं लाइन जो है वो कैसे कैसे लाइन, ठीक है। ये पता भी चलना चाहिए कि आपका लोगो जो है बना हुआ है, ऐसे नहीं गए गए थे बिजी आएंगे, अभी हम जल्दी में कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत रह भी जाए तो उसका नो इशू, ठीक है। ऐसे चलो, ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस आपने लाइन जो है सारी अपनी लोगो कंप्लीट करना है, इसी तरह देने हैं, ठीक है। इसको क्या हुआ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इधर आने नीचे, इधर काम में थोड़ी जोर लगा लेते हैं ऐसे, इस जगह को इधर से करवाना है। ये शेप्स डिफरेंट बन रही है, देखिए जहाँ से लाइन दे रही है, ये शेप ऐसे है, ऐसे ये ऐसे है, ठीक है। ये वाली ट्राई एंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो इस तरह से आप इनको यूज करते हुए डिफरेंट शेप्स जो है वो कर देंगे। ये लेग के लिए करना है, थोड़ी सी बड़ी करना चाहें बड़ी करना, इसी तरह ये लेग इसके लिए यहाँ लगाना, ठीक है। इसको यहाँ पे कर कर, और ये वाले धागे इनको भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं, और
अच्छा अच्छी तरह ये रहे हैं, इसको कर लाइन बाय, उनका कोई इशू नहीं है, उनको आप बाय में बाद में ट्रेन भी कर सकते हैं, या एक ओवर ले वो भी बैठा उससे कर सकते हैं, उसको उसके साथ करना ठीक है। और इसी तरह जो टेल के लिए, इसके लिए कोई शेप बना लेते हैं छोटी सी, ऐसे इतनी सही नहीं तो कंट्रोल इतने जी कर लो। इसमें थोड़े से बड़े करने हैं, इसलिए बॉक्सेस का साइज थोड़ा सा बड़ा करना ठीक है। इसी तरह इसको इधर कर देना, इधर बिल्कुल करना है। अभी और इसको करें शो मोड, तो ये कुछ ऐसा लोगो बन गया ठीक है। अभी इसकी संगे बाद में जूम करके देखना, जो भी पॉइंट्स नहीं मिले उनको आप बाद में भी ट्राई करवा करते हैं ठीक है। ये यहाँ से काफी थोड़ी सी हमने, अच्छा ये वाला जो पॉइंट है ये भी जैसे ऊपर निकला हुआ है, इसको आप पकड़ के थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं ऐसे, या फिर एक और भी है वो मैं आपको बता देता हूँ ठीक है। इसी तरह कुछ और पॉइंट्स होंगे जो ज्वाइन नहीं है, तो आप ऐसे जूम करके वन बाई वन एक साइड से स्टार्ट करके, जो भी पॉइंट इसके अटैच नहीं है ये देखिए, जैसे ये बाहर निकला है, तो ये कि आप पाथ आउटलाइन स्ट्रोक ख़त्म करके इसको अपना डिलीट कर दें यहाँ से ठीक है, अपने शेप बिल्डर टूल से। और ऐसा नहीं करना ख़त्म, फिर क्या कर सकते हैं। अच्छा ये अभी देखें तो ये इसका लोगो एक बन जाएगा ठीक है। यहाँ पे आपको कम लग रहे हैं तो ये भी आप कहीं मिला सकते हैं ऐसे ऐसे ठीक है। ये लग रहा है, ये इसको भी उधर और इधर ठीक है। यहाँ पे भी कर लें कुछ, यहाँ से यहाँ तक ठीक है ऐसे, और लास्ट वाली भी सही लग रही है इसको। ये कुछ ऐसा सा बन गया लोगो, ये पर भी काम है ठीक है। ये देखें ये ऐसे लोगों का अपॉइंट करेंगे, कोली इनको कहते हैं डिमेट्रिक लोगो ठीक है। बाकी जहाँ पे आप लगे यहाँ पे काम है तो इधर भी एक कार लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ये अभी हमने जल्दी से लेटा ये है ज्योमेट्रिक लोगो। अच्छा वो जो लाइन बाहर निकली हैं उनका क्या करना है, एक तो मैंने आपको बताया आउटलाइन ख़त्म करके उनको डिलीट कर दें, या वैसे ड्रैग करके यूज़ कर सकते हैं नीचे कर दें, नहीं तो फिर एक और सोल्यूशन है बस इनको जूम, क्योंकि जब आप लाइन मैच करेंगे तो उनके ऐसे कॉर्नर जो बाहर निकल आएंगे जैसे ये निकले हों ठीक है। पूरे को सिलेक्ट करें अपने जाएँ दस स्कोप के अंदर, तो जो लाइंस हैं उनको एक राउंड कर सकते हैं ठीक है, या फिर आप ऐसा करें कि ये इनसाइड आउटसाइड जो है ये यूज़ कर लें, ये आउटसाइड है ये लेकिन सारी ख़राब होगी, तो ये वाली आप यूज़ कर सकते हैं, या पहले वाली ठीक थी ठीक है। उनको कर सकते हैं आप यूज़ ठीक है, ये किया है वो ज़्यादा मेरा ने अच्छा ठीक है, इसको ऐसे रहने दें। और ये हमने कॉर्नर जो है सिर्फ राउंड कर दिया, पहले ऐसे था ये बाई निकले हैं, उसे थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ
ये रहा, ठीक है, तो इसको आप कर दें कॉर्नर ऐसे, वो देखो ये हो जाता है, तो ये भी हो जाएगा, लेकिन ये कर देते हैं राउंड राउंड ज्वाइन, ठीक है। यहाँ भी है थोड़ा थोड़ा, ये अगर आप देख सकते हैं इधर, तो इसको कैसे खत्म करना है, इसको थोड़ा सा पकड़ के ऐसे पीछे करना लाइन से ऐसे, तो ये आप ऐसे जूम कर करके देख सकते हैं जहाँ से लगे आपको पॉइंट, ये भी तकरीबन ठीक है। ये थोड़ा सा बाहर है, इसको भी पकड़ के थोड़ा सा अंदर भी जाने कर दें, पीछे कर दें इसको ऐसे, ठीक है, ये भी ठीक हो गया, ये बाहर निकल आया, इसको थोड़ा सा जूम करके ऐसे नीचे कर दें, ठीक है। अभी तकरीबन सारे जो है मिल गए हैं, कोई और जिधर इशू तो वो आप कर सकते हैं, सारे को ग्रुप करें, ठीक है, इसकी एक कॉपी कर लें, ये कॉपी में क्यों कर रहा हूँ बाद में करता हूँ। अच्छा, इसका कलर चेंज करना चाहें आप कलर चेंज कर दें, कोई भी कलर ऐसे 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 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, तो ये हमने कर दिया, इसको आप डिलीवर करना, ये है ज्योमेट्रिक लोगो, ठीक है, जो अभी हमने जल्दी से बनाया, इसका कलर इसको ठीक है, तो ये आपका बन गया ज्योमेट्रिक लोगो, इन दोनों को साइड पे करते हैं, सही है, ग्रुप में इनको ऊपर कर दें, डिस्टर्ब करें, ठीक है, ये हमारा था ओरिजिनल, ये वाला मतलब आउटलाइन भी कर लिया हमने ली, ठीक है, और ये अभी हो गया हमारे पास ज्योमेट्रिक। अच्छा, इसको अगर आप ना देखें साइड पे करें, तो ये लग रहा है आपको कि हो की है, लेकिन लाइन में ज्योमेट्रिक शेप के अंदर, ठीक है, लग रहा है। ये है लोगो की टाइप है, ये बड़ी फेमस ज्योमेट्रिक लोगो, ये भी प्रिंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे टी शर्ट के ऊपर, कैप के ऊपर, ठीक है, या जो आपके हैं कोई मेटल या वुड उनके ऊपर ये जो है प्रिंट होता है, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है। तो ये है, अभी मैंने जल्दी से देखा है ज्योमेट्रिक, इसी तरह राउंड हो रही है एक बेंच। अच्छा, इसमें आपने कलर फिल करने हैं, ये सारे लगने वाले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पूरी पूरी शेप ऐसे तैयार करनी पड़ेगी, जैसे ओरिजिनल वाली फाइल ले लेते हैं, किधर गई है वो? सर स्क्रीन में स्टक है मेरी तरफ। यस सर, दोबारा कर। अच्छा, ये देखें दूसरा, ये अभी हमने एक एग्जांपल देखी थी कि इनमें कलर करना, कलर पहले तो ये लाइन भी हमने ड्रा की है, कलर करने के लिए हमें पूरे जो पार्ट है वो ड्रा करना पड़ेगा, कैसे इसको आप जल्दी से देखते हैं, चलो इसको ले जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट में ओपन करते हैं, उधर जा जाते हैं बड़ी वाली स्क्रीन पे, इसको हमने क्या करना है, अभी पॉलीगॉन बनाते हैं, चलिए इसको लॉक कर लें आप, ठीक है, तो इसमें कलर करते हैं फॉक्स के जो कलर है वो ले लेते हैं, अच्छा ठीक है, अभी हम क्या करने लगे, एक पॉलीगॉन जो है लोगो में आता है, इसको तीन कलर शेड भी ले लेंगे, इससे ज़्यादा आप करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, एक और ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं, ठीक है, ये हम कलर यूज़ करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जितने भी पीसीज हैं इनको मतलब आपको ये फिल होने चाहिए, तो अभी हम करने लगे हैं पॉलीगोन लोगो, पॉलीगोनल भी कहते हैं, पॉलीगोन भी कहते हैं, जो भी आप कहना चाहें। अच्छा, सबसे पहले ये साथ साथ कलर भी फिल कर देते हैं, ठीक है, ये जितनी भी, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो
आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इसी तरह ये कलर फिल करते हुए सारी हम कंप्लीट कर देते हैं। ये कलर हम शेड से इनिंग के अंदर चलते हैं, ठीक है। ये ऐसे भी होता है कि एक साइड से स्टार्ट हो रहा था कलर, लाइट फिर डार्क फिर लाइट फिर डार्क कम्बिनेशन में चल रहे होते हैं। अभी हम दो या तीन कलर यूज कर रहे हैं, ये ऊपर वाला रह गया, इसको भी पहले कर रहा, दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह ये इसका माउथ, ये ऐसे डार्क होगा। ये यहाँ से ज्वाइन ना हो उनको बाद में भी कर सकते हैं, अभी हम जल्दी से कर। इसी तरह नीचे आते जाएंगे, सारे फिल करते जाएंगे साथ साथ, और अगर ना करें साथ साथ फिल तो दोबारा से करने पड़ते हैं, फिर काफ़ी टाइम लग जाता है, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। अच्छा इसी तरह ये वाला है, ये है आपका पॉलीगॉन लुक, ठीक है। जैसे जैसे बना हुआ है, ये छोटी भी आप कर सकते हैं साइज इनके, लेकिन बड़ी बड़ा साइज रख रहे हैं इसका, ठीक है। इसको फिल करते हैं जल्दी जल्दी। जी आई ड्रॉपर से ही फील कर रहा हूँ, पेन टूल से तो ड्रा कर रहा हूँ, पेन टूल से ड्राइंग कर रहा हूँ, आई ड्रॉपर से फील कर रहा हूँ। ये आप उससे भी कर सकते हैं, ड्रा करके पहले सारे जो आपका शेप बिल्डर टूल है उधर से जल्दी कलर फिल हो जाते हैं उससे, और कलर सारे ये सिलेक्ट करवाएंगे फटाफट फिल कर लें, लेकिन मैं इसके साथ कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे भी करना चाहें आगे की बार का काम जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह ये लग गया है, इसको चलो एक ही कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, इतना टाइम नहीं, ठीक है। इधर ये वाली लग गया, इसको एक कर देंगे दो कर देंगे, ठीक है। इसको दो कर देंगे, अभी ये पार्ट्स रह रहे हैं। लेग को आप, अरे ये यहाँ से नहीं राउंडेड तो कोई बात नहीं, बाद में भी कर सकते हैं, वैसे ही स्ट्रेट ही यूज कर लेते हैं। ये अभी हम जल्दी से कर रहे हैं कंप्लीट। ये इजी है, बस ये फिलिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसको चलेगा उठा लें। गाउन में तो इधर आप स्ट्रेट भी यूज कर सकते हैं, और ज़्यादा फिलिंग नहीं पड़ेगी इसलिए मैं उसे राउंड ही कर लें। इसको करते हैं ये ज़्यादा बड़ा कलर,
ही कर देते हैं, चलो ज्यादा कर देते हैं आप लोगों की खुशी के लिए। अच्छा तकरीबन 10-15 मिनट इसके ऊपर लग गए हैं। पहले जो भी लोगो होगा वो ऐसे ही राउंडेड में बनेगा, मतलब ड्रा होगा पहले, फिर उसके बाद जब भी आप लोगों से ही पॉलीगॉन की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन हमने पहले सिंपल पिक्चर ज्योमेट्रिक में आया था तो इसलिए हमें ये करना पड़ा है। ये इधर एक डार्क कर देते हैं, जो है ये अभी जो पीछे आउटलाइन आपको नजर आ रही है उसको कर देते हैं गायब, काफी लोगों में सही से। अच्छा ये अभी तो कलर साइड से करना है, ठीक है। ये अभी क्या है, यहाँ पे आपको गैप नजर आ रहे हैं तो इनका कोई इशू नहीं, इनको जल्दी से पकड़ें और ऐसे साथ मिला रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये वाला इसको थोड़ा सा इधर, ये वाला ज़्यादा जरूरी है, इसको भी अच्छे साथ मिला रहे, ठीक है। साथ साथ आप कवर करते हैं, माउथ थोड़ा दूर है इसको थोड़ा सा ऐसा कर लें, ठीक है। ये हो गया, फिर इसके बाद ये वाला इसको और करने से, और ये वाले दो इधर जूम करें इधर करें, ठीक है। और इसी तरह ये वाले ये इसको थोड़ा सा ये वाले रह गए, इनको भी ऊपर साथ टच करवा दें ऐसे इधर से इधर, ठीक हो गया। और ये वाला इसको भी साथ ज्वाइन करवा दें ऐसे, अभी भी गया था थोड़ा सा करवा दें, ठीक है। और नजर आ गए ये वाले, कोई बात नहीं, ये इधर से ज़्यादा पेंट वेंट से ख़राब हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे आना, ठीक है। लेकिन इसका कोई इशू नहीं है, ये इसका पूरे को ही पकड़ लें, यहाँ पे लेना, ठीक है। ये सही नहीं बना तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं, इसको यहाँ पे आना चाहिए था और ये ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी कर लेते हैं, इन दोनों को पार्ट फाइंड कर दें ताकि साथ मिल जाए दोनों, इधर गया ये, ठीक है। अभी स्ट्रेट हो गया, इसको मिला दें इधर ऐसे करके, ये वाला रहेगा उसको मिला देंगे, ठीक है। फिर भी आ गया उसको थोड़ा सा और देखता है, ठीक है। ये वाले रह गए उनको भी मिला लें, ठीक है। मुझे मिला लें, ठीक है। ये लोगो जो है कुछ इस तरह से बन गया, कलर कलर चूंकि हमने कम यूज़ किए हैं, 4 शेड 4 शेड भी यूज़ किए हैं तो इसलिए ये अच्छा इधर भी है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका बन गया कौन सा लोगो, पॉलीगॉनल लोगो, सेंटर कर लें। पहले वाला किधर गया, पहले वाला ये पड़ा हुआ लॉक। अच्छा इन दोनों को अलग अलग रखते हैं कि आपको कंपैरिजन करना भी इजी होगा, इसका साइड पर कर लें, ऊपर वाले को डिलीट कर लें, ठीक है। और इसका भी एक ही कलर कर देते हैं ऑरेंज, ठीक है। ओ इधर भी आ रहा
है जी। तो ये आपका हो गया है लोगो पॉलीगोनल, देख भी सकते हैं पॉलीगोनल लोगो या पॉलीगोन, पॉलीगोन भी कह सकते हैं या पॉलीगोनल भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। स्टार्ट कर। सब ठीक है। अच्छा इसी तरह ये है आपका ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक लोगो, इसके सर के ऊपर ही लग गए, इसका उधर करना, इसका उधर करना। तो ये है आपका, भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ये लोगो भी टू टाइप्स हैं बेसिकली, ये ज्योमेट्रिक हो गया, ये पॉलीगॉन हो गया। जो ओरिगामी है उसके अंदर आपके जो ये बॉक्सेस हैं ये साइज इनका बड़ा होता है, ये जैसे भी मिस है इसको भी ज्वाइन करवा दें। यहाँ पे आए, ये आप जूम करके बाद में भी कर सकते हैं जहाँ से मिस हो जाए। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका। ये लोगों की थ्री टाइप, एक ओरिगामी, ओरिगामी बॉक्सेस ऐसे बड़े होंगे, वो अभी तो टाइम कम है ना जी, नहीं तो वो भी ड्रा कर लेते। और ये स्मॉल बॉक्सेस है उसके ऐसे बड़े वाले होंगे, यहाँ से यहाँ तक एक बन जाएगा, फिर कार्ड हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, वो आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा उसकी ओरिगामी की। तो ये लोगों की टाइप है, ये काफ़ी फेमस है।